हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता होगा या इस मेरे चैनल को आपने देखा हो तो आपको पता होगा कि मैं रियाद में रहती हूँ और यहाँ की चीज़ें आपसे शेयर करती हूँ। लाइक यहाँ का फेस्टिवल कैसे हम सेलिब्रेट करते हैं, यहाँ कौन सी घूमने की जगह है, क्या स्पेशल है, शॉप्स कैसी हैं, यहाँ की लाइफस्टाइल कैसी है, सब कुछ शेयर करती हूँ। तो उसी सीरीज़ में मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ कि यहाँ पर 15 अगस्त कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। जैसा कि आपको पता है आज 15 अगस्त अभी गया है, तो हम 15 अगस्त के दिन कहाँ गए थे ये आपको बताती हूँ मैं, और हमने कैसे सेलिब्रेट किया। ये देखिए जहाँ हम गए थे, अभी मैं आगे आपको बताती हूँ व्लॉग में कि मैं कहाँ गई थी। ये जिधर जा रहे थे ये उधर का सीन है, रोड है कि रियाद कैसा है। ग्रीनरी देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा है। ये देखिए ये खजूर के पेड़ हैं सारे, जो बड़े बड़े से हैं ये सारे खजूर के पेड़ हैं, खजूर जो रियाद में फेमस है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ हम कहाँ आए हैं। एक्चुअली हम आए हैं रियाद में इंडियन एम्बेसी इंडिपेंडेंस डे शेयर करने के लिए। ये हमारा इंडियन एम्बेसी भारतीय राज दूतावास, हम यहाँ शेयर करेंगे इंडिपेंडेंस डे। ये अंदर जाने के बाद हमारे देश का झंडा बहुत दिनों बाद देखा था मैंने। ये डेकोरेशन हो रखी है सारी, ये हमारा झंडा, यहाँ पे लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे बहुत ज़्यादा। ये हमारे परम पूज्य महात्मा गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी की जी की यहाँ पे स्टैचू लगी हुई है। ये हमारा नेशनल फ्लैग इंडिया का, ये डेकोरेशन जो डेकोरेशन उन लोगों ने कर रखी थी। ये अतीक्षा इंडियन फ्लैग लेके खड़ी है, मतलब मेरी, इसने तो शायद फर्स्ट टाइम इंडियन फ्लैग अपने हाथ में लिया होगा, उसके पहले तो इतनी समझ ही नहीं थी फ्लैग क्या कुछ भी। ये देखिए झंडा फहरा रही है। यहाँ पे इंडियन एम्बेसी के लोग भी थे, ज़्यादातर तो वही लोग थे, हम लोग तो बाहर से आए थे। ये हमारा फ्लैग होस्टिंग, अभी हमारा झंडा लहराएगा हवा में। ये जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे इंडियन एम्बेसी के, ये एम्बेसडर थे, उन्होंने फ्लैग होस्टिंग की। ऊपर फ्लैग होस्टिंग के बाद जैसे है कि हमारा सॉन्ग बजता है जन गण मन, ये देखिए आने के बाद हमें लग ही रहते थे सारी नजरें सब झंडे के ऊपर है। Very happy Independence Day. This day has a special significance as it comes as a part of celebration of 75 years of India's independence, for which is being commemorated as Azadi Ka Amrit Mahotsav. This day reminds us the sacrifices made by our freedom fighters and of all long battle fought by them to make our country independent and free from colonial shackles. On this day, we also recount the success and achievements of India as the country has made since the year 1947. Today, पूर्व संध्या पर देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। इस गौरवपूर्ण अवसर पर आपको संबोधित करते हुए मुझे प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट ने जो स्पीच दी थी भारत से बाहर जो रहते हैं उनके लिए, उन्होंने वो स्पीच पढ़ी। ये
हमारे फ्रेंड्स, ये जो डांस परफॉर्मेंस की बात कर रही थी मैं, वो देखिए कितना प्यारा लग रहा है, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये एक और जो दूसरा मैंने बोला था, दूसरा परफॉर्मेंस था, ये दूसरा परफॉर्मेंस है वहाँ पे। क्या जो वहाँ बैठने का भी अच्छा अरेंजमेंट था, अगर आप बैठ के देखना चाहो या खड़े होके देखना चाहो, दोनों अरेंजमेंट था। वो वहाँ पे डांस परफॉर्मेंस चल रहा है, मैंने पीछे से क्लिप ली है अभी। ये सारा एरिया आसपास का, वो भी बहुत एंजॉय कर रही थी वहाँ पे। ये यहाँ पे एक सर थे, उन्होंने सॉन्ग गाया था, ये नूरवी अतिक्षा फोटो खिंचाई नेशनल फ्लैग के साथ। ये परफॉर्मेंस मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था, यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ ने मिलकर डांस किया था पेट्रोटिक सॉन्ग पे, बहुत अच्छा था। फ्रेंड्स, हम भी जैसे इंडिया में मनाया गया था इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, वैसे ही हमने भी मनाया और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा हमें। वैसे तो प्राउड है ही हमें अपने इंडियन होने पर इस दिन कुछ ज़्यादा ही प्राउड आता है कि हम इंडियन हैं। ये डांस परफॉर्मेंस चल रहा है अभी तक, बहुत सारे सॉन्ग्स को उन्होंने ऐड करके परफॉर्मेंस दी थी। ये वहाँ पर रिफ्रेशमेंट का भी अरेंजमेंट था, तो ये लग रहा था तो मैंने क्लिप्स ले ली वहाँ पे, ये रिफ्रेशमेंट लगाया जा रहा था तभी मैंने क्लिप्स ले ली थी, कि बाद में भीड़ हो जाएगी तो मैं नहीं ले पाऊँगी आपको दिखाने के लिए। जो भी रियाद में रहते हैं और इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो ये यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए, यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। ये हमारा ऑडिटोरियम था, अभी खाली था, हम लोग तो अंदर इसलिए आए थे क्योंकि हमें बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बच्चे थे साथ में। बाद में इसी ऑडिटोरियम में एक फ़िल्म दिखाई गई, डॉक्यूमेंट्री फिल्म अरविंदो घोष पर, वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। ये देखिए अभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ पे देखिए कितनी भीड़ हो गई है। 75 स्वतंत्रता दिवस, 75वें साल गिरा पर भारत के आज़ादी के, ये पूरी फिल्म है, ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म जिसकी बात मैं कर रही हूँ ये है, वो दिखाई गई थी वहाँ पे। श्री अरविंद के व्यक्तित्व में योगी, कवि और दार्शनिक तीनों का समन्वय था। उस महान आत्मा को दूसरों की अभिव्यक्ति के माध्यम से जानना या व्यक्त करना मुमकिन नहीं है, इसलिए इस फिल्म में हमने उनके कारावास जीवन के अनुभवों। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को ऐसे सपोर्ट करते रहिए तो मैं और भी चीज़ें आपको दिखाती रहूँगी रियाद की स्पेशल। ये इनका इंटरव्यू चल रहा था, ये कर्नल का और एम्बेसडर का ले रहे थे, ये सारे एक ही डिपार्टमेंट ये हमारे एम्बेसडर के साथ, कर्नल के साथ। ये बाहर का एरिया डेकोरेट किया गया था फ्लैग होस्टिंग के बाद, लोग फोटो खिंचवा रहे थे, बहुत बहुत अच्छा लगा हमें वहाँ पे जाकर।
ये हमारा अशोक चक्र, हमारे सत्यमेव जयते और हमारा फ्लैग, दोनों कितना सुंदर लग रहा है एक साथ लगे हुए हैं। नीचे सत्यमेव जयते था, ये वापस जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ आइडियाज़ और कुछ भी सुझाव होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं इम्प्लीमेंट करूँ और अपना चैनल और सुधार सकूँ। प्लीज़ मुझे ऐसे ही सपोर्ट करिएगा। थैंक यू।